आप लोग बखूबी वाकिफ हैं, कल एक अल करीम बैतुल माल में भयानक आग लग गई रात के वक्त में। ये पूरे मीडिया चैनल में आप लोग देख चुके हैं। हम भी यहाँ पर इंस्पेक्शन के लिए आए थे। अल करीम बैतुल माल जो एक समाजी खिदमत देने वाला इदारा था, यहाँ देखने के बाद ऐसा महसूस हो रहा है यहाँ का कुछ बचा ही नहीं है। तकरीबन 20-25 लाख रुपये का सामान और 2 टाटा एस व्हीकल्स थे, वो भी जल के खाकसार हो गए हैं और कुछ बचा ही नहीं यहाँ पर कहने के लिए। टीन शेड है, इतना बड़ा टीन शेड भी डैमेज हुआ है। कई लोगों को कई दिनों से ये लोग समाजी खिदमत कर रहे थे एक जज्बे के साथ, उसको बहुत बड़ी ठेस पहुँची है। ये शॉर्ट सर्किट की वजह से हुआ है या फिर किन वजूहत की बिना पर ये आग लग गई है हमें तो इल्म नहीं है। कल रोज़ा पुलिस स्टेशन वाले आकर, सर्कल साहब वगैरह यहाँ पर आकर इंस्पेक्शन करके FIR बनाने के लिए चले गए हैं। FIR कॉपी अभी इन्हें नहीं मौसूल हुई है। मैं अभी कुछ डॉक्यूमेंट देख रहा था, गाड़ी के डॉक्यूमेंट वगैरह अपडेट हैं। मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से और DC साहबा से और तहसीलदार साहब से गुजारिश करता हूं कि सोशल सर्विस मोटिव की जो ऑर्गेनाइजेशन थी, ये बुरी तरह से अफेक्टेड हो गई है। इसको जो भी फाइनेंशियल हेल्प हो सकती है, जो प्रोविज़न है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, उसके हिसाब से इन्हें जो भी मुआवजा दिया जाए तो कम है। मैं ज़्यादा से ज़्यादा मुआवजे के लिए गुजारिश करता हूँ हमारे तहसीलदार साहब से, एक अच्छी इसकी रिपोर्ट बनाएं। ये जो काम था ये पर्सनल इनके लिए नहीं, ये पब्लिक कॉज के लिए था, ये गुड कॉज के लिए काम कर रहे थे, सोशल सर्विस कर रहे थे। अल करीम बैतुल माल वाले अपने लिए नहीं कर रहे थे, ताकि गरीब लोगों के पुअर यहाँ पे जो लोग पुअर लोकेलिटी में ये जो इदारा चल रहा रहे थे अल करीम नाम से, यहाँ पर बहुत सारा नुकसान हो गया है। ये देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि 2 गाड़ियाँ जल गए हैं, कपड़े यहाँ तक कि अनाज जो तकसीम किया जाता था रोज़ बरोज़ वो भी ख़त्म हो गया है। कपड़े कई जल के ख़त्म हो गए हैं और बाजू में एक राशन शॉप है, वो भी बुरी तरह से अफेक्ट हुई है। लिहाजा पुलिस वालों से भी मैं ये चाहता हूँ कि थारो इंक्वायरी हो इसके ऊपर, थारो इंक्वायरी करके DC साहबा को और हमारे तहसीलदार साहब को इसकी रिपोर्ट सबमिट की जाए। और मैं ये चैनल से DC को भी रिक्वेस्ट करता हूँ और तहसीलदार साहब को रिक्वेस्ट करता हूँ और हमारे सर्कल साहब को रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसकी थारी इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए और जो कुछ फाइनेंशियल हेल्प हो सकती है ये इदारे को दी जाए। 18 तारीख की रात सब देर गए अल करीम बैतुल माल को नागहानी हालात के अंदाजे के तहत जो आग लग गई है, जिससे पूरा अल करीम बैतुल माल का जो सामान था, फर्नीचर्स था, कपड़े थे, अनाज था, इवन जो कुछ भी जो है ना टीन शेड था, उनके 2 गाड़ियां थे, वो पूरे के पूरे जलकर खाकसर हो गए सोएं। इस वजह से जो है ना बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया सो, यहाँ तक कि आग इतनी भयानक थी कि टीन शेड का शेड तक भी जो है ना पिघल गया उसमें। इसलिए हम गुलबर्गा के DC साहब से, तहसीलदार साहब से, MP साहब से, MLA साहब से पुरजोर अपील करते हैं कि ये सोशल सर्विस करने वाली ऑर्गेनाइजेशन है जिसका जो है ना इतना शदीद नुकसान हुआ है, गोया वो पब्लिक का नुकसान है, इसकी भरपाई के लिए हम पुरजोर अपील करते हैं कि वो हर अंदाज़ में इसकी जो अपने तरफ से हो सकता है भरपाई करने की कोशिश करें। और हम गुजारिश भी करते हैं DC साहिबा से और तहसीलदार साहिबा से, MP साहब से, MLA साहब से, वो कि आके बजाते ख़ुद भी इंस्पेक्शन करें ताकि उन्हें भी अंदाज़ा हो कितना नुकसान हुआ है, क्योंकि ये इदारा गुज़िश्ता कई दिनों से जो है ना खालिस गरीबों की मदद के लिए काम कर रहा था। पेंडेमिक के दौरान में भी ये लोग रोज़ाना जो है ना गरीबों को खाना पहुंचाने का काम करते थे और पब्लिक से जो स्क्रैप वगैरह वसूल करते थे, जो भी अनाज वगैरह वसूल करते थे, कपड़े वसूल करते थे, जिन गाड़ियों में लेकर आते थे, वो गाड़ियाँ और तमाम फर्नीचर्स वगैरह भी जो है ना पूरा जल के खाकसर हो गया सो है। इसलिए जो है ना आवाम से भी अपील करते हैं कि ऐसे इदारों की भरपूर मदद करके फिर से जो है ना इस ऐसे इदारों को खड़ा करें ताकि जो है ना ये गरीबों की मदद कर सकें। इंतहाई अफसोस के साथ मैं कह रहा हूँ कि अल करीम बैतुल माल जो भी हाल में फर्स्ट रमज़ान को इसका इफ्तिताह अमल में आया था, इंतहाई तेज़ी के साथ बहुत ही शानदार पैमाने पर काम कर रहा था। पूरा मोहल्ला, पूरा गुलबर्गा जो है ना घूम फिर कर ये लोग स्क्रैप का सामान ला के उसको जमा करके उसको बेच कर उससे गरीबों की इमदाद करते थे।
और जो है ना राशन किट्स वगैरह भी तकसीम कर रहे थे। बहुत ही जानफिशानी के साथ ये लोग सामाजिक खिदमत में, गरीबों की आवाम की खिदमत में ये लोग लगे थे। लिहाजा अचानक जो है कल रात में आग लग के, या कौन लगाया है क्या है पता नहीं, और नूरबाग में तकरीबन जो है ना बेकार लोग जो जुए पत्ते खेलने वाले भी नौजवान लोग ज़्यादातर यहाँ पर घूमते रहते हैं रात में अक्सर। तो मेरी ये एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश है, पुलिस डिपार्टमेंट से भी गुजारिश है कि रात में जो है ना ज़्यादा इसकी जो है ना वो वॉचमैन के तौर पे जो है ना देखभाल ज़्यादा की जाए, और आवाम से भी गुजारिश है कि फिर से इसको खड़ा करने में इसको ताउन करें अलकरीम को, ताकि फिर अपने पैरों पर खड़े हो, फिर अपना स्ट्रक्चर ख़ुद बनाए और गरीबों की फिर से खिदमत के लिए आगे आए। लिहाजा मैं तमाम लोगों से, पैसे वालों से अपील करता हूं कि ये इसको बैतुल माल को फिर एक बार, आप लोगों की मदद की ज़रूरत है, आप लोगों की सहायता की इमदाद की ज़रूरत है, ताकि ये लोग फिर से गरीबों के खिदमत के लिए शौक़ और जज्बे के साथ फिर मैदान में आएँ। और मेरे तहसीलदार और डीसी ऑफिस से भी ये गुजारिश अपील है कि जहाँ तक हो सके मुमकिन हो इनकी भरपाई की कोशिश की जाए, क्योंकि इनका तकरीबन 20 लाख के करीब जो है ना माल नुकसान हुआ है। 2 टाटा एसी जल गए हैं, पूरा टीन शर्ट वगैरह पूरा तकरीबन पिघल गया है। 2 फायर ब्रिगेड आग बुझाने के बावजूद भी आग कंट्रोल नहीं हो रही थी, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी शदीद आग थी ये। लिहाजा मेरी आवाम से और हुकूमत से ये अपील है, ये गुजारिश है कि जहाँ तक हो सके इसका मुआवजा दें, इसकी भरपाई करें, क्योंकि ये लोग ख़ुद जो है ना उनकी इतनी इस्तेआत नहीं है कि इसको फिर से खड़ा कर सकें। लिहाजा हुकूमत से और आम माली ताउन माली अहल खैर हजरात से भी अपील है, गुजारिश है कि इनकी भरपूर मदद करें और फिर से खड़ा करने में इनका ताउन करें।